केंद्र सरकार द्वारा बैन की गई सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जहां एक तरफ जिला के प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया है। अब आम जनता और एनजीओ ने भी प्लास्टिक को लेकर जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिया है और वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर प्लॉगर्स एनजीओ ने भी आज चिड़ियाघर में सिंगल यूज प्लास्टिक के अगेंस्ट अभियान चलाया और लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईएफएस कृष्ण कुमार और डॉक्टर अनुराग उपस्थित रहे। वहीं दूसरा कार्यक्रम लक्ष्मण बाग स्थित इनकम टैक्स कॉलोनी में किया गया, जिसमें 3800 प्लास्टिक पैकेट को रिसाइकिल कर उनसे ट्री गार्ड बनाया गया, जिसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में इनकम टैक्स कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। दोनों ही कार्यक्रमों का आयोजन कानपुर प्लॉगर्स एनजीओ की सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाषनी खन्ना द्वारा किया गया। आज हमारा पहला प्रोग्राम था नगर वो जो कमिश्नर हैं आपके इनकम टैक्स सीसीआईटी शिशिर झा सर के रेजिडेंस पे, तो पहला प्लांटेशन हमारा वहाँ हुआ। वहाँ पे हमने जो मैगी पॉइंट से पैकेट इकट्ठा करते हैं प्लास्टिक के, 3800 पैकेट प्लास्टिक इकट्ठा करके उसका ट्री गार्ड बनवाया है और वही ट्री गार्ड हमने शिशिर झा सर के बंगले के बाहर ट्री गार्ड लगवाया है। और दूसरा प्रोग्राम हमारा था चिड़ियाघर के अंदर, वहाँ पे आईएफएस सर मिस्टर कृष्ण कुमार सर उपस्थित रहे, हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट संजीवनी शर्मा और ईशांक वहाँ पे मौजूद रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।